फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रिंसी पर। आपको पता है कि हम बहुत दिनों से वीडियोज नहीं लेकर आ रहे हैं आपके लिए। जो मैं वीडियोज लेकर आती थी मैथ्स इंग्लिश से रिलेटेड और स्पोकन से रिलेटेड, वो वीडियोज नहीं लेकर आ रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मैं स्टेनो सीख रही हूँ तो उसमें मेरा टाइम पूरा निकल जाता है और इसलिए मैं वीडियोज नहीं ला पाती हूँ। तो आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेज आ रहे थे, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो स्टेनो सीख रही हूँ, मेरी स्टेनो कंप्लीट होने वाली है, स्टेनो जो सीख रही हूँ वही क्यों ना आपको उसकी वीडियोज बनाकर दे दूँ। अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगती है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश शॉर्ट हैंड होती क्या है, यानी इसको हम स्टेनो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेनो इंग्लिश भी बोलते हैं, इंग्लिश शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं और हिंदी में इसे आंसू लिपि भी बोला जाता है। ठीक है, स्टेनो होता क्या है? सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि स्टेनो होता क्या है। तो स्टेनो वह भाषा होती है जो सामान्य शब्दों को तेज गति से लिखने के लिए उपयोग में लाई जाती है, यानी जो शब्द हम बहुत टाइम में लिख पाते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा तेज गति से लिखने वाली ये भाषा होती है, इसको समझने वाली भाषा होती है। ठीक है, इसे हम कहाँ पर यूज करते हैं? इसकी उपयोग ज़्यादातर पत्रकार जो रिपोर्टर्स होते हैं वो यूज करते हैं और जो स्टेनोग्राफर्स बनते हैं वो लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये एक किस बीच होती है, ये एक लाइट एंड डार्क सिंबल सिंबॉलिक यानी डार्क साइन बीस्ट शॉर्ट हैंड होती है। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसे किस किस नाम से जाना जाता है। इसे एक शॉर्ट हैंड के नाम से भी जाना जाता है, आंसू लिपि के नाम से भी जाना जाता है और स्टेनो के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको इसके लिए किसने इसका मतलब किसने निकाली थी ये बुक, किस इस शॉर्ट हैंड का किसने मतलब यूज किया था, किसने बनाई थी इस स्टेनो को, तो सर आइजक पिटमैन थे। कौन थे? एक पिटमैन थे जिन्होंने क्या बनाई थी, इस भाषा का डेवलपमेंट किया था। ठीक है, ये एक बहुत ही तेज गति से लिखने वाली भाषा होती है और ये एक सिंबॉलिक भाषा होती है। कैसे होती है? यानी ये साइन बेस्ड होती है। ओके, यानी इसमें क्या लाइट एंड डार्क का बहुत महत्व होता है, लाइट और डार्क का बहुत महत्व होता है। वो कैसे होता है वो हम देखेंगे आगे की वीडियो में, जानेंगे कि इसे कैसे होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें जैसे आपके अल्फाबेट्स होते हैं ए से जेड तक के 26 अल्फाबेट होते हैं और उसमें 5 क्या होते हैं, बॉबल होते हैं। बॉबल कितने होते हैं उसमें? 5 बॉबल होते हैं। जो वो कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, यही अल्फाबेट्स के बॉबल होते हैं आपके अल्फाबेट्स वाली इंग्लिश के। जी हाँ, पर इसके अलग होते हैं, इसके हम पढ़ेंगे कितने 24 कितने होते हैं, क्या होते हैं? कंसोनेंट्स। क्या होते हैं इसके 24? तो कंसोनेंट्स होते हैं। और 12 क्या होते हैं इसके? बॉबल होते हैं, क्योंकि आप जानते हो बॉबल के बिना कोई भी मीनिंग नहीं बनती है इंग्लिश अल्फाबेट में। तो ये हम सीख रहे हैं क्या? इंग्लिश शॉर्ट हैंड। अगर हम हिंदी शॉर्ट हैंड सीख रहे होते तो हम क्या जाते? वर्णमाला पर जाते। तो यहाँ पे 12 बॉबल होते हैं और 24 कंसोनेंट होते हैं। बहुत से लोग आपको 26 कंसोनेंट भी कहते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वैसे इसके 24 कंसोनेंट होते हैं, बट दो ऐसे कंसोनेंट होते हैं जिसके दो साइन होते हैं, यानी दो अपवर्ड और एक डाउनवर्ड बेस्ड होते हैं, इसलिए उन्हें हम मिलाकर 26 से बोलते हैं, बट इसको हम 24 ही कंसोनेंट पढ़ते हैं। ओके, अब हम चलते हैं। इसमें 4 डिप्थोंग्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 डिप्थोंग्स होते हैं। ओके, ये होते हैं। अब 24 जो कंसोनेंट होते हैं, 12 वॉवल होते हैं और 4 डिप्थोंग होते हैं। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। हम आज पढ़ेंगे कितने? 6 कंसोनेंट, ओनली 6 कंसोनेंट्स पढ़ेंगे। उसको हम बताएंगे कि ये कंसोनेंट्स होते क्या। ये एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है आपके लिए और इसके पे स्किल्स भी, अगर आपके इसमें जॉब लगती है और सीख लेते हैं तो इसकी पे स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पर आपको इसमें जॉब मिलती है। तो देखिए, इसमें पी बी टी डी जे जे ये हैं आपके 6 कंसोनेंट। अब इसको हम बनाते कैसे हैं? देखिए, पी बनाएंगे हम लाइट, ओके, और वी बनाएंगे हम डार्क। सेम वैसे ही होता है, पी कैसा होता है? लाइट होता है, ओके। वी होता है कैसा? डार्क, ओके। टी 90 डिग्री लाइट होगा, ये क्या होगा?
लाइट होगा, और डी कैसा होता है, डार्क, 90 डिग्री पर ही बनता है, और ये डी लाइट डार्क होता है, और जे कैसा होता है, इस तरीके से, ओके, और ये क्या होता है, लाइट होता है, और जे कैसा होता है, डार्क होता है। ये हम पढ़ेंगे कंसोनेंट्स, आज हम ओनली 6 कंसोनेंट्स पढ़ेंगे, आगे इनका कैसे यूज किया जाता है हम वो भी सीखेंगे। अब इसमें आप ध्यान रखना, इसमें स्ट्रोक का बहुत महत्व होता है, यानी इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं, ओके, जो हमने लिखे हैं इन्हें स्ट्रोक्स बोलते हैं। स्ट्रोक को आपको 1 लाइन में यानी 1/6 भाग इसका लिखना होता है, यानी 1/6 इसका लिखते हैं। अब जैसे पी, तो पी को हम क्या वो पढ़ते हैं, पी, बी को हम क्या पढ़ेंगे, बी, टी को टी, डी को डी, और चे को पढ़ेंगे चे, ओके, जे को क्या पढ़ेंगे, जे, ऐसे इस तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि ये साउंड बेस्ड एक लैंग्वेज है, और ये स्ट्रोक पर डिपेंड रहती है कि इसके स्ट्रोक्स कैसे बनते हैं। तो आज हमने यही सीखा कि स्टेनो होती क्या है, इससे हम स्टेनो को किस किस भाषा में यूज करते हैं, इसका किसने डेवलपमेंट किया था, और इसमें कंसोनेंट कितने होते हैं, वॉवल कितने होते हैं, डिप्थोंग क्या होते हैं, और हमने आज 6 कंसोनेंट्स पढ़े हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस करना घर पर, हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे कि और कौन कौन से कंसोनेंट्स होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।